शांति। आज 24 अगस्त 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप हैं। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते, वास्तव में माताओं की हमजिंस राधे हैं। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का, समझ तो कुछ है नहीं। उन्होंकी जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतोप्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतोप्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत को सतोप्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला यानी खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर अपतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है पांच विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है।
कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुहाफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे, यह ही पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शुभ बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है, जो पैसे लेंगे तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवारों के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़ते हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर पुराना भारत है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रोरो नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। यह कोई सुख थोड़े ही है, सन्यासी भी कहते हैं। इस समय का सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए
कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवित्र है ना, गाया भी जाता है। छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चे को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर वन फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकेंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है। बाप की पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही कृष्ण से है। कृष्ण और कृष्ण दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अताह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है कि आकर पति से पावन बनाओ तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखा कर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे यह बॉम्बे थोड़े ही थी, छोटा एक गावड़ा था। यह माताएं तो भोली हैं, यह इतना पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है कि एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकेंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहें। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इन कागनीटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ चाहे नया गोरा शरीर धारण करेगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर चाहे राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता है, कलयुग का विनाश भी जरूर होगा।
विनाश के आसार भी सामने देखते हो, वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान ही होगा। किस रूप में, किस तन में है वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी हैं, मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट है गुप्त रूप में बाप का मददगार बन, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। विश्लेषण है जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी वह व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।